देखो आपको प्रॉफिट या यूजेज एक टाइम पे पता हो ना हो अकाउंटिंग के, लेकिन आपको लिमिटेशन जरूर पता होनी चाहिए। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, देखो अभी हमने आपके प्रॉफिट देखे इतने सारे, अब आप सोचोगे कि यार ये अभी तक तो हम देख रहे थे अकाउंटिंग इतनी अच्छी है इतनी अच्छी, अब ये क्या हो गया इतनी जल्दी। तो हम इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, अकाउंटिंग ये नहीं है कि अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर दिखा रही है। जो अकाउंटिंग जो अकाउंट बना रहा है उसके डिसीजन मेकिंग पे भी सेम कंपनी के अकाउंट दो आदमी बना रहे हैं तो रिजल्ट दो आदमियों के अलग अलग आएंगे। सेम कंपनी के अकाउंट चार लोग बना रहे हैं तो चारों उसके अलग अलग प्रॉफिट निकाल के देंगे। तो उसमें जैसे मान लो डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगा रहे हो आप, डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगा रहे हो, प्लस आप स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, फिर आप प्रोविजन कैसे बना रहे हो डाउटफुल डेट का, तो इनकी जो सबकी कैलकुलेशन है उससे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रभावित होंगे, उस पे इफेक्ट आएगा। तो ये पर्सनल जजमेंट भी तो है कि भाई हम किस तरह से कौन सा मेथड लेंगे, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन का कौन सा मेथड लेंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए कौन सा मेथड लेंगे, और भी बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो पर्सनल डिसीजन से आपकी अकाउंटिंग प्रभावित होती है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। तो अगर ये इन्फ्लुएंस करती है तो ये ट्रू पिक्चर दिखाती नहीं है। दूसरा ये है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। जो आपकी अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है अकाउंटिंग कंसेप्ट पे और कन्वेंशन पे। अकाउंटिंग कंसेप्ट है कन्वेंशन है वो भी अपने आप में इनकम्प्लीट ही है। वो भी जैसे मान लो एक हम बात करते हैं कि हमें माना जाता है अकाउंटिंग में कि जो आपके लॉस आपको फ्यूचर में दिख रहे हैं कि भाई ये लॉस हो सकते हैं तो आप उनका प्रोविजन पहले ही बना लो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप उन्हें प्रॉफिट मान के मत चलो। तो उस इन तरह की चीजों से भी तो आपका आपका ये आपका अकाउंटिंग आपकी प्रभावित होगी, अकाउंटिंग आपकी इफेक्टेड होगी। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या क्या है यहाँ पे? जो आपको अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कंप्लीट नहीं है। कैसे कंप्लीट नहीं है? मान लो मैंने जमीन खरीदी, मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने जमीन खरीदी 10 करोड़ रुपए की, मैंने उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगाई 2 करोड़ रुपए की, फिर उसके बाद मैंने बिल्डिंग बनाई 20 करोड़ रुपए की, ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे रुपए लगा दिए। 10 साल बाद मैं जमीन की वैल्यू बुक्स में जमीन की वैल्यू 10 करोड़ ही लिख रहा हूँ 10 साल बाद। अगर मैं मार्केट में आज के टाइम पे देख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू रखी 50 करोड़। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। जो मैंने मशीनरी 10 साल पहले खरीदी थी 2 करोड़ रुपए की, आज के टाइम पे मैं उसकी अकाउंट बुक्स में वैल्यू ले रहा हूँ 20 लाख रुपए। लेकिन अगर उससे मैं खरीद के नई एसेट्स लेके आ रहा हूँ, सेम एसेट्स खरीद के लेके आ रहा हूँ सेम, तो वो मुझे पड़ रही है 5 करोड़ की, तो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हुई ना ये। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, भाई हम इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, इकोनॉमिक इवेंट मेजर कर रहे हैं, जो मनी में जो ट्रांजेक्शन हो सकती है उन्हें मेजर कर रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई आपके एम्प्लॉयज का मोरल कैसा है, आपके एम्प्लॉय हड़ताल पे तो नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, ये आप इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर नहीं कर रहे, लेकिन जरूरी तो इतनी है ना। ये भी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल जितनी भी आप इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंट्स की वो सारी पीछे की है। जैसे मान लो मैं आज अकाउंट बना रहा हूँ और अकाउंट बना रहा हूँ मैं 1 साल पहले के, तो वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल है। जो बुक्स में जितने भी एसेट्स हमने ले रखे हैं सब हिस्टोरिकल हैं, फिक्स एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी जितनी भी सारी हमने सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ले रखी है। तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है करेक्ट वैल्यूएशन पे नहीं है, तो अगर आपको सही वैल्यू निकालनी है तो जब आप उसको बेचोगे तभी आपको उसके सही वैल्यू का पता चलेगा। ये भी इसकी लिमिटेशन है। फिर एक ये है कि विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। मान लो मैंने एक मेरा फ्लाइट मेरा एरोप्लेन बनाने का बिजनेस, मान लो मैं फाइटर प्लेन बनाता हूँ या नॉर्मल बिजनेस प्लेन बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरा 31 मार्च को 100 करोड़ का प्लेन मेरा वापस आ गया कि भाई से आप वापस रख लो। तो मैंने उनको बोला, जो मेरा कस्टमर था मैंने उसको बोला कि भाई आज नहीं आप हम इसकी डील कल करेंगे। तो 31 मार्च को मेरी वो सेल में अकाउंट होगा, मेरी सेल में अकाउंट होगा, लेकिन मैंने 1 अप्रैल को वो वापस ले लिया।
तो वहां से मेरा वो माइनस, तो ये किस्म से विंडो ड्रेसिंग हो गई ना, तो मैंने प्रॉफिट मेरा बढ़ा के दिखा लिया उस टाइम पे। या मैं ऐसे करता हूँ कि भाई कोई 1 अप्रैल को मेरा सामान रिटर्न करने आया है, तो मैं उसे बोलो ठीक है आज नहीं, आप एक दिन पहले आ जाओ। जैसे मान लो किसी कोई बोल रहा है मैं 1 तारीख को आऊंगा, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है नहीं है, आप एक दिन पहले आ जाओ, कोई डील करनी है मैं बोल रहा हूँ कि आज डील कर लेते। तो ये विंडो ड्रेसिंग करने में भी काम आता है, जिससे हम प्रॉफिट ज्यादा या कम जैसे दिखाना चाहिए वैसे दिखा सकते हैं। तो भी ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। फिर है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, भाई जब आप इसमें सारी कॉस्ट आपकी हिस्टोरिकल है, फिर आप इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रहे, फिर आप इसकी जो कंसेप्ट और कन्वेंशन है पर्सनल डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो फिर ये सुटेबल कैसे है फोरकास्टिंग? तो इसके बेसिस पे जो भी फोरकास्टिंग करोगे वो पुअर फोरकास्टिंग हुई, वो अनरीजनेबल, उसको मतलब अनजेन्युइन होगी वो, ठीक है जी। ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। आपको प्रॉफिट पता हो ना हो, एडवांटेज पता हो ना हो, लेकिन लिमिटेशन जरूर पता होनी चाहिए, इसमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे।